लेखक रामवीर सांगवान आज आपको पीपीआर के वॉल्यूम यानी पंजाब पुलिस रूल के वॉल्यूम थर्ड के चैप्टर 25 के 25.28 से लेकर इसके भाग तीन में बताऊंगा। जो 25.28 में बताया मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान, 25.29 में अपराध कबूल करने वाला अपराधी और अनुमोदक यानी कि उसको बताना चाहिए कि कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी पुलिस अधिकारी है, अगर कोई अक्षमादान चाहता है, छह अपराधी अक्षमादान चाहता है तो पुलिस अफसर बताए कि पुलिस उसको अक्षमादान नहीं कर सकती, केवल आपकी बात को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया जा सकता है। ये 25.29 में है। उसके बाद 25.30 है सुनवाई का स्थान, जनता की सुविधा के अनुसार दिया जाना चाहिए जहाँ गवाह सुविधा अनुसार पहुँच सके, धारा 178 से 183 CRPC के अनुसार। उसके बाद 25.31 है मरणासन यानी मरणा अन्वेषण यानी कि मृत्यु समय की तफ्तीश, मृत्यु के कारणों की जाँच पड़ताल, को ऐसी मृत्यु जिसके कारण का पता नहीं चल पा रहा है निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाएगी और 174 की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई डोवरी डेथ है तो SDM और हिरासत में या मर गया या बलात्कार किया है तो MM जांच करेगा और पुलिस का कार्य तो डेड बॉडी और जिससे मारा गया है उसको हटाने न देगा, यानी कि पुलिस वहाँ पर पहुँच के डेड बॉडी और जहाँ जिससे मारा गया है उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन किसी को गार्ड दिया जाता है तो 176 के तहत CRPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 25.32 समाज के व्यक्तियों को तफ्तीश में शामिल किया जाना चाहिए ऐसे मामले में जो उपरोक्त है। 25.33 IO अन्वेषण अधिकारी मृत्यु घटनास्थल पर कार्रवाई है, IO की घटनास्थल पर कार्रवाई, सबूत नष्ट होने से बचाएगा, पच्चीनों को ढककर रखेगा, नक्शा मुका से ही बनाएगा, तमाम सूची बनाएगा, शरीर पर कोई निशान है तो नोट करेगा, सब की पहचान नहीं हो तो फिंगरप्रिंट लेगा, फोटो कॉपी करवाएगा, फुटप्रिंट लेगा, सील करके सील मोहर करेगा, तमाम बातों का ध्यान रखेगा, शवों को खोद कर बाहर निकालना। 25.34 कहता है शवों को, अगर कोई शव गाड़ दिया गया है तो उसको बाहर निकाला जाएगा, यानी कि अगर पता चलता है कि मृत शरीर को गाड़ दिया जाता है, पहला पॉइंट है, अगर पता चलता है कि मृत शरीर को गाड़ दिया तो खोद कर निकलवाएगा और दर्ज करेगा लिखित में SHO। दूसरा पॉइंट है निकटतम मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा और परमिशन मिलने तक उस जगह की रखवाली करेगा। इसका तीसरा पॉइंट है, अगर ऐसा आदेश होने पर मजिस्ट्रेट हाजिर नहीं रह पाता तो एरिया के दो व्यक्तियों के सामने खोदेगा और 174 का पालन करेगा, 174 CRPC का पालन करेगा। चार, खोदने से पहले ऐसे होगा गवाहों को बुलाएगा जो उसको पहचानते हो। पाँचवा, और अगर ऐसे गड़े हुए उसको 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो सिविल सर्जन की राय लिए बगैर पुलिस अधिकारी शव की खुदाई नहीं करवाएगा और तब ही जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से फार्म प्रारंभ करना होगा। 25.35 मरणासन रिपोर्ट अन्वेषण यानी कि तफ्तीश पूरी होने पर IO को कार्बन कॉपी विधि द्वारा फार्म 25.35(1)(ABC) जैसे मृत यानी कि डेड बॉडी प्रतीत होती है के अनुसार दो कापियों में एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ए में ऐसे व्यक्तियों की जो प्राकृतिक कारणों से यानी कि नेचुरल डेथ हुई है, बी में हिंसा से यानी कि किसी को रोइट से में मारा गया यानी कि मारा गया है, और सी में जहर द्वारा, पॉइजन द्वारा अगर कोई मारा गया है तो तमाम तरह के हालात, कपड़े, नक्शा मौका, डॉक्टरी सब लिखा जाएगा और तमाम तरह की इस बातों को उसमें दर्ज किया जाएगा। मैं लेखक रामवीर सांगवान, कानून प्रशिक्षक, दिल्ली पुलिस, गांव पिलाना, जिला रोहतक, हरियाणा, 9869 4497 94662 8012। अगर ये पसंद आया हो तो इसको यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।